नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं अनदेशक न्यूज़ माने सत्रह हज़ार कोर्ट केस अपडेट अभी अभी प्राप्त हुई है ये सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई है खबर और इसको पोस्ट किया गया है अनदेशक तेजस्वी के द्वारा साथियों यहाँ पर लिखा है उन्होंने सम्मानित अंदेशक जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले तीन दिनों से लगातार सत्रह हज़ार मानदेय मुद्दे पर हाई कोर्ट इलाहाबाद में बहस चल रही है ठीक उसी प्रकार आज भी केस टेकअप होते ही बहस शुरू हुआ शुरुआत में जब बहस शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि हम अंदेशकों का मानदेय सत्रह हज़ार का मुद्दा आज ही खत्म हो जाएगा और अंदेशकों को कभी सत्रह हज़ार नहीं मिलता लेकिन साथियों हमारे आपके माता पिता के आशीर्वाद से और कोर्ट इलाहाबाद के सीनियर एडवोकेट श्री एच एन सिंह जीवा श्रीमती दुर्गा तिवारी जी ने बहस शुरू किया बस बहस करते करते अन्वेशकों का सत्तर हज़ार का मुद्दा बरकरार करते हुए फिर से मुद्दे को जिंदा किया और पूरे एक घंटे से अधिक बहस जारी रखते हुए अन्वेशकों के सत्तर हज़ार मुद्दे को मजबूती प्रदान की है मैं उच्च प्राथमिक अन्वेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पूरे परिवार की तरफ से सीनियर अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद के श्री एच एन सिंह जी व दुर्गा तिवारी जी को सहृदय धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ दूसरी तरफ सरकारी वकील की तरफ से समय लेने का प्रयास किया गया परंतु कोर्ट से अधिक समय नहीं मिल सका लेकिन यूनियन के वकील के द्वारा प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड नई दिल्ली की किस एक्ट के तहत मान्य है उसका पेपर लगाने का बात की गई है जिसको कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उस एक्ट का पेपर कोर्ट में जमा करने का निर्देश देते हुए केस की अगली सुनवाई बीस 20 मई 2022 निर्धारित की है साथियों सत्रह हज़ार मानदेय आपको मिलना तय है लेकिन ये भी कहूँगा कि जितना आसान हम सब समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं अभी नहीं लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना है परंतु सत्रह हज़ार आपको मिलना तय है विजय आपको अवश्य प्राप्त होगी आज काफ़ी चर्चा और विचार विमर्श इस बिंदु पर विधिक टीम के साथ किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट में श्री एच एन सिंह व श्रीमती दुर्गा तिवारी जी सीनियर अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद से विचार विमर्श करके वहां वहाँ के सीनियर एडवोकेट को हायर किया जाए